ये पूरी भांग है जो सिलबट्टे के ऊपर भांग को रगड़ लिया है। यहाँ पर हम ट्रेडिशनल खाना चूल्हे के पास में बैठ के खाएंगे। सुबह सुबह का दृश्य देखो, आंटी जी खेत से मूली लेके आए, अंकल जी हुक्का पी रहे हैं यहाँ पर, और इधर बिल्ली खेल रही है और बहुत ही सुंदर। ये देखो सीन है, इधर कुत्ते के साथ में खेल रही है। तो भी दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको पता है पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा, रात को हम लोग आए थे अंधेरे के अंदर, यहाँ पर रुके इस घर के अंदर। ये गांव है लिपि, इस गांव का नाम बुरुसपानी, बुरुसपानी लिपि। तो आंटी जी कुछ और ही बता रहे हैं, पूरा हमारा ये रोड से ऊपर का नाम मतलब बुरुसपानी, बुरुसपानी डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। अब हम लोग जो है, मेरे साथ में दादी जी है, हम लोग जा रहे हैं आज कुछ स्पेशली बनाने के लिए इनके खेतों के अंदर। पोतना हमारा गाजर है, गाजर का बीज, बीज के लिए गाजर लगाया आपने, इतना बड़ा गाजर। ये हमारा आलू है, ये भांग का बोट है, इस भांग का चटनी, आज भांग का चटनी, भांग के पत्ते की चटनी बनती है क्या? नहीं नहीं बनती, नहीं। तो दाने का जो फल होता है उसका। हाँ। तो भाई आज हम लोग भांग की सब्जी खाएंगे, भांग की चटनी बनाएंगे और वो खाने वाले हैं। नशा आएगा क्या उसमें? नहीं, नशा नहीं आएगा। आप इसको किस लिए लगाते, सिर्फ खाने की सब्जी वगैरह, चटनी वगैरह के? खाने के लिए, और हम इसको तैयार हो गए, इसको रस्सी भी बनाते हैं, लकड़ी लाने के लिए, पत्ती लाने के लिए रस्सी, रस्सी बनाते हो? अच्छा। और उसके बाद अंदर का डंठल आग में जलाते हैं। अच्छा, वो आग में जला देते हैं। अभी जैसे मैं ये पत्ता खाऊंगा तो कुछ नशा आएगा? भी है। इसकी भी सब्जी बनाते हैं। ये पालक है, ठीक है, इसका नाम जरको। यहाँ पर पत्तों वाली सब्जियाँ बहुत खाते हैं लोग, हर चीज हरी सब्जी, पत्तेदार। मधुमक्खी, मधुमक्खी पाल के रखते हो? हाँ। ये घर है मधुमक्खी का? मधुमक्खी का घर। ये देखो अंदर जा रही है। शहद कब तोड़ते हो? अगले महीने में। अगले महीने में टूटेगा। लाई, इतनी प्रकार की सब्जियां लगा के रखते हैं इनको। मार्केट से लाते हो कभी सब्जी? थोड़ा बहुत, कभी नहीं होगा तो बहुत, बाकी तो ज्यादातर हो जाता है घर में, हो जाता है। धनकरा क्या होता है? सब्जी बनाते हैं इसकी भी? सब्जी, घास, गाय खाते हैं, इसकी सब्जी बनती है। ये इनकी क्या है कि इनके तीन बेटे आंटी जी के, तो उन तीनों के घर यहीं पे लाइन से। जेठी वाली बहू सबसे बड़ी बहू है वो। बच्चे खा सकते हैं चटनी भांग की? हाँ, बच्चे खाते हैं। तो ये भांग के दाने एक तरह से आप फसल होती है वैसे, मतलब गेहूं के दाने, बाजरी के दाने वैसे है। हाँ। तो इनके अंदर नशा नहीं होता? ना, तो इसके अंदर नशा नहीं होता है। इसका क्या बनाते हो आप? चटनी बनाते हैं। चटनी और सब्जी भी? भी होती है, सब्जी भी होता है, सूप ना, जो जनवरी फरवरी में ठंडे में सूप बनाते हैं इसकी, वो गर्म रहता है। गर्म रहता है, सीधा भी खा सकते हैं भून के। भून के हाँ, चटनी बनती है, रायता में भी जाता है और सूप भी बनता है इसका, चटनी बनते है। ये भांग वही है जो शिव जी वाले महाशिवरात्रि के दिन पीते हैं? हाँ। ये वही भांग है। पर यहाँ पर हम लोग किसी तरह का नशे का प्रचार नहीं, पीने वाले नहीं, मतलब खाली दाने निकालते हैं, दाने निकालते हैं। जब ये तैयार हो जाएगा इसको सुखाते हैं, फिर इसको सूख जाएगा, फिर इसका दाना निकालते हैं, फिर इसको छांट छूट कर सुखाते हैं, फिर ये तैयार हो जाता है। अच्छा, अपने सालों से आपकी दादी जी के टाइम से भी ऐसे ही करते हैं कि भांग का? तो ये एक तरह से अपनी परंपरा रही है, आजकल नशे के अंदर गलत काम में लेने लग गए। हाँ, वो नहीं करना चाहिए ना, फिर वो नहीं करना चाहिए। हम तो वो नहीं करते हैं, पर इसी का काम करते हैं। अच्छा, मेरे समाज में तो ऐसा करके पैरों से। अच्छा, मशीन नहीं था उस टाइम? नहीं। तो अच्छा, ये कह रहे हैं पैरों से इस तरह से करके भांग का खला निकालते थे, दाने निकालते। ये हमारा गुरुस, ये क्या होता है? इसका दाल बनती है घर में। अच्छा, घर में उगाते हैं, खेती है ये, दाल की खेती ही होती है। अच्छा। घर में ही होता है दाल। हाँ। ये पूरी भांग है जो सिलबट्टे के ऊपर भांग को रगड़ लिया है यहाँ पर। ये देखो इनके जो चूल्हा है, चारों ओर से ओपन, जैसे घड़े का स्टैंड होता है वैसे, ऐसा हमने पहली बार ही देखा है। पहली
बार देखा है। हाँ हमारे यहाँ तो ऐसी है ज्यादा अधिकतर। अच्छा ऐसे ही होता है। और इसका धुआं कहाँ जाता है? ऊपर। अच्छा इन लकड़ों के बीच में ऊपर है तभी ये पूरा काला हो गया। धुएं से जो है ये लकड़ी मजबूत होती है, जितना धुआं भरो उतना ज्यादा लकड़ी मजबूत होगी। अच्छा जब तक धुआं लगेगा तब तक वो कीटाणु नहीं लगेंगे, सुरसुरी वो बोलते हैं ना, दीमक नहीं लगेगी। ए मूली की राती बनाई, पुदीने का चटनी बनाई। पुदीने का चटनी, भांग और पुदीना मिक्स कर दिया इसमें। और अभी तो पिसा था उसको इसमें डाल दिया। मडुआ की आटा, मंडुआ का आटा, मडुआ मडुआ बोलते हैं, मडुआ मडुए के आटे की रोटी। और परात जो पीत उसकी तांबे की। गांव के अंदर हम लोग आए हुए हैं तो आज दादी जी अपने जमाने का खाना हमें खिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उस टाइम में गेहूं नहीं था, ये खाते थे क्या आपके छोटे टाइम में? इसके जितने थे तब। मंडुआ की रोटी यहाँ का पारंपरिक और भांग की चटनी एकदम अलग। पापा, भांग की चटनी या मंडुआ की रोटी तो कभी खाई को नहीं। घर का चावल देखा हमारा, घर का चावल। ये आपके घर का चावल है? हाँ। इस चावल को क्या बोलते हैं? रेड वाले चावल है। हाँ। ये ज्यादा पौष्टिक होते हैं। ये बाजरी की तरह थोड़ा थोड़ा काला होता है। हाँ। और रेड भी होता है, लाल होता है। हाँ। इस रोटी को ऐसे बाजरे की जो रोटी या मक्के की रोटी बनती है ना वैसे बनाया जाता है। नहीं चकला बेलन नहीं चाहिए इस रोटी को बनाने के लिए। चकला बेलन नहीं चाहिए। अंकल लकड़ियां लेके आ गए आंटी जी की मदद करने के लिए। गोल गोल बनाए, गोल गोल इतनी मिलाकर डॉट लगाओ बेलों में बनाए। आपका क्या नाम है अंकल जी? तारा सिंह। तारा सिंह। हाँ। ये घी डाल दिया रोटी के ऊपर। वाह मजा आ जाएगा आज रोटी खा के। मंडुआ रोटी, मंडुआ की रोटी, मडुआ की रोटी, मडुआ मडुआ गढ़वा ने कहते हैं मडुआ से कुदुआ कहते हैं। कुदुआ कुदुआ कोई कुदुआ भी बोलता है इसको। हां कुदु यहां हम बोलते हैं। हां कुमाऊनी बोलते हैं मडुआ। मडुआ मडुआ आज गाय बोल रही है। आप लेके जाओगे या इंजेक्शन लगवाओगे? तो अभी तो घी लिया है ना, फिर छोटा बच्चा। अच्छा 3 ही महीने हो रही है तो लेके कुछ भी नहीं करोगे? इनको कुतिया पसंद है, सुबह से खेल रही है। ये देखो नहा धो के आई है इतनी लेट। रोटी बनाओगी? बाजरे की बनाते हैं हम। अगर नहीं बना पाई तो आपने राजस्थान की इज्जत को सवाल है देख ली। थोड़ा आटा गिल्लो है। आटा गिल्लो है ठीक ठाक का नक्शा बना दिया। इसमें गेहूँ मिक्स है या अकेला? ये को अकेला अकेला है। हाँ। नमक मिक्स है सिर्फ? नमक है क्या? नमक नहीं, नमक नहीं डालते आटे में आप? नहीं। वो हिमाचल वाली बात है, यहाँ पहाड़ों में होता ही नहीं था, नमक दूर से लाना पड़ता था शुरू से ही। तो बहुत सारे लोग जो पहाड़ों में दूर तक रहते हैं ना नमक में खाते हैं, आटे में डाल के। वैसे तो खाते हैं आटे में नहीं डालते। गेहूं के आटे में रोटी बनाते तब नमक डालते हो? ये नहीं डालते। मडुआ की रोटी दिल जैसी बनाई। दिल जैसी बनाई। बिन के आजा तो आजा। कुत्ती है ना? लेके जा गया भाई। ले इतनी बैलाचारी होगी है? आज बहुत अच्छा लगा इस तरह से एकदम ट्रेडिशनल खाना चूल्हे के पास में बैठ के खाएंगे। नहीं आजकल के लोग जनरेशन जो है इसमें आटा गेहूं का मिक्स कर देती है क्योंकि उनको हाथ से बनानी नहीं आती। हाँ। आजकल के, हाँ आजकल की बहुओं को नहीं आती। नहीं खास बात देखी घी की तो लगा हुआ है।
गाय की घी के अंदर इसको भून रहे हैं रोटियों को, तब जाके इसका टेस्ट बनेगा। अच्छा इसको पकाओगे नहीं, कच्चे ही डालने? अच्छा चटनी के अंदर, भांग वाली के अंदर ये सब कच्चे डाल रहे हैं? वो भांग के दाने कहाँ हैं? वो डाल तो दिए। अच्छा इसमें डाल दिए? हाँ। ये तैयार होगी भांग की चटनी। अच्छा ये मूली का चटनी बनाया? हाँ। नहीं रायता। अच्छा ये रायता, ये चटनी है, ये वो भांग वाली चटनी है। इससे कुछ नहीं होता है, आप डर रहे हो ना? नहीं हम तो खाते हैं। चलो भाई मंडवे की रोटी साथ में भांग की चटनी का नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। रोटी जबरदस्त टेस्टी बनी है, चटनी भी। सुबह जो आंटी जी मूली लेके आए थे ना, उसकी चटनी बनाई। ठंडी में ज्यादा खाते हैं, ठंडी कम लगती है। हाँ। पहली बार खा रहे हो मूंग की रोटी या खाई थी आपने? पहली बार ही खा रहे, पहले गेहूँ मिक्स था वो खाई थी। गेहूँ मिक्स मतलब मटुआ और गेहूँ मिक्स है ये ज्यादा अच्छे, इसमें प्योर मंडवे का टेस्ट है। चटनी जो है ना औषधि के काम भी आता है, जैसे मतलब जुकाम वुकाम सिर दर्द होगा इसका पानी। हमारे को थोड़ा थोड़ा ऐसे जुकाम हो रखा है। हाँ इसको पीस के हम यही पीते हैं। अच्छा यही पीते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, बहुत ही अच्छा लगा मंडुआ की रोटी भांग की चटनी। कोई ऐसे देख के सोचेगा कि भांग की चटनी, भांग की चटनी खा के ऐसे टलने खा रहे। भांग के पत्तों में नशा होता है, जो दाना होता है उसमें नहीं होता। तो अभी ये पत्ते खाएगी? ना मैं कोई नहीं खाऊं। अरे खास बात होता हूँ, यहाँ पर मिट्टी लगा ही नहीं है शायद, बिना मिट्टी के है क्या आंटी जी? बिना मिट्टी के ये रद्दा है इसका, और ऐसे कंस्ट्रक्शन किया हुआ। यही तो गर्म रहता है, मोटा मोटा जो दीवार होता है वो पत्थरों वाला, ईंट से ज्यादा अच्छा रहता है। ये हमारे रूम के अंदर भी यही है, सब जगह बिछाया हुआ भी है दीवार। ये बांस नहीं है, अलग है, रिंगाल। रिंगाल अलग है, अलग होता है। ये रिंगाल का है, देखो बातों से बनाते हो क्या? ये जो नीचे पोर्शन है इसमें गाय भैंस को रखते हैं, ऊपर वाले में खुद रहते हैं। आग जला के रखी है यहाँ पर ताकि मक्खियां नहीं आए गाय के आसपास। कितना दूध दे देती है आपकी गाय? 2 लीटर। यहाँ पर धूप निकल गई है तो सिया भी गुड़िया के साथ में पड़ रही है। और ये हमारा रूम, और ये जो हमारे पैरों में है ये हाथ से बना के ऐसी छत में लगाई है, और ऐसी नीचे बिछाई है, पैर ठंडे नहीं हो इसके, और ऐसी उस अलमारी में लगाई है। ये देखो ये रहे। अभी मैं यहाँ पे इनके खेतों में जा रही हूँ, खेतों को देख के आ रही हूँ। दीदी है वो खेतों में काम कर रही है, आलू भी निकाल रहे हैं, मूली भी बो रहे हैं। अच्छा मूली बो रहे हैं और आलू निकाल रहे हैं, खोद रहे हैं, क्योंकि इस साल आलू बहुत ही कम है, इतने ही छोटे दाने निकल रहे हैं, फिर मूली भी बो रहे हैं। नीचे तक आलू ही है? नहीं नहीं हमें बहुत अच्छा लगा, सब अच्छा लगा। यहाँ का कल्चर, कल्चर गांव हमें बहुत पसंद है। नीचे ज्यादा रह गए, ये आलू मिला, आलू बेचना। ये है, ये रिंगाल है, इसी का बना हुआ है यहाँ पर लकड़ी, बांस की जगह इसको काम में लेते हैं, जैसे दिखने में तो बांस के जैसा ही है। और यहाँ पर भी पोली हाउस फार्मिंग स्टार्ट कर दी है, देखो पहाड़ों के अंदर भी इसमें भी कुछ फसल बो रही है। गोभी, गोभी को मिर्ची को गर्म जगह चाहिए, ये एकदम गर्म है अंदर से, गर्म के लिए ये कर रखा है, ये गर्म रहता है। पहाड़ों में लकड़ियों का बहुत लालच रहता है क्योंकि बर्फ गिरती है ना, जलाने के लिए इकट्ठी करके रखते हैं, जितने इकट्ठी करके रखते हैं। ये देखो रोज लेके आते हैं। अब यहाँ से और ज्यादा सुंदर सुंदर गांव देखने के लिए आगे हम लोग जाएंगे। अगला वीडियो आप तुरंत अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, आगे के जो भी वीडियो होंगे तुरंत आपको मिल जाएंगे। चलिए थैंक यू, उत्तराखंड के लित्ती गाँव से बाय।
ना मार ना ना है ना सुने ना इनके आगे सो गया ये खेल रही है ना इसीलिए इनके आगे सोया।